एवरीवन, कैसे हैं आप? वेलकम अगेन। मेरा नाम है सतीश और आज का वीडियो कोई लेक्चर नहीं बल्कि आप लोगों के लिए कुछ बच्चों के मैसेजेस थे, उन्हीं मैसेजेस के जवाब मैंने सोचा कि किसी दो तीन को देने से बेटर है कि एक वीडियो बना ली जाए और सबके साथ शेयर कर ली जाए। जी हाँ, आप सभी का फर्स्ट ऑफ ऑल कल तो एग्ज़ाम है JKPSI का। मेरी तरफ से JKSSB की ऑनलाइन पूरी टीम की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम टुमारो। ओके, एंड आई नो कि हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, बट एक चीज़ हमेशा याद रखना, अपनी स्ट्रेंथ पे ज़्यादा फोकस करना। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है एग्ज़ाम के लिए, बहुत पढ़ा है, सो उस पर बिलीव करना, ना कि उन चीज़ों के ऊपर सोचो या देखो जो रह गई हैं। बिकॉज ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट, सो यू वट एवर यू पीपल हैव डन फॉर यूर फॉर दिस एग्जाम, होपफुली दैट विल हेल्प यू इन योर एग्जाम सेंटर, राइट? सो आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ कुछ टिप्स एंड इंस्ट्रक्शंस की। CBT एग्जाम में बहुत सारे फ्रेशर्स होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो फ्रेशर्स होंगे, उनको बेसिकली प्रॉब्लम हो रही है कि CBT एग्ज़ाम्स को किस तरह से करना है, क्या होगा, क्योंकि सभी बच्चों को आदत थी पहले वो एक पेपर देते थे, शीट देते थे, देन उसके शीट के ऊपर वो लिखते थे और मतलब जो भी सॉल्व करना है करते थे और OMR शीट होती थी, गोले मारते थे, ऑल राइट, ठीक है। लेकिन अब क्या होने वाला है भैया, वो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, उसे एंड तक ज़रूर देखना। और आप सभी को बता दूँ कि जितने भी कैंडिडेट अगर JKSSB का ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी मैसेज करें 7006332724 के ऊपर, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंस्ट्रक्शंस की। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शंस की, इंस्ट्रक्शन के बाद जो टिप्स हैं वो मैं अपनी तरफ से अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं इंस्ट्रक्शन की, ठीक है। देखो, एक चीज़ आपको बता दूं कि बच्चों में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, सबसे बड़ा हॉबी होता है CBT एग्ज़ाम को लेकर, उनको वो ये होता है कि फर्स्ट थिंग जो होती है, एक बच्चे का मैसेज था कि सर सपोज़ करिए मैं मतलब पेपर कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मेरा अगर हाथ बच जाता है मेरे कीबोर्ड पे या किसी चीज़ पे तो क्या मेरा पेपर बंद हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वहाँ पे सारा एक्सेस आप लोगों के स्क्रीन और आपके माउस पे होता है, कीबोर्ड से वहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें होती नहीं है। इवन जो आपको टाइप वगैरह करना होता है वो भी कीबोर्ड से करना होता है, वर्चुअल कीबोर्ड होता है, मतलब माउस से आपको करना पड़ता है, ठीक है। देखो, पहली चीज़ जो बच्चे पहली बार पेपर देने जा रहे हैं, आप सभी को बता दूं कि आप लोगों का जब आप वहाँ बैठते हो, आपकी बायोमेट्रिक से लेकर आपके एग्ज़ाम के स्टार्ट होने तक सारी की सारी जिम्मेदारी वहाँ के जो टेक्नीशियन होते हैं उनकी होती है, ठीक है। वहाँ के जो टेक्नीशियंस होते हैं उनकी होती है। अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही या कोई चीज़ खुल नहीं रही, तो डरना नहीं है, सीधा उनको बोलिए कि सर हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही, बताइए। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अगर आप डर के मारे कि यार सामने वाला इंसान सोचेगा कि इसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता या इसको ये नहीं आ रहा, इसको वो नहीं आ रहा, तो इस तरह की चीज़ें मत अपने माइंड में जाना, ईगो शीगो ये सब घर पर छोड़ के जाना। आप पेपर देने जा रहे हो, आपका मेन फोकस होना चाहिए। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आती है, कुछ प्रॉब्लम आती है, सामने वाले बंदे को बोलिए सर ये नहीं हो रहा, वो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। मैं ऐसी चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ड्यूटीज़ करी हुई हैं, सो आई नो कि ये वहाँ के स्टाफ का मेन मतलब उनका यही वर्कआउट होता है, ठीक है। बट अगर आप उनको बोलोगे नहीं, अगर आप उनको बोलोगे नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ओके। फिर वो उनको पता चलेगा नहीं और आपका पेपर जो ख़राब हो जाएगा। इसीलिए आप पेपर देने जा रहे हो, आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है आपकी बायोमेट्रिक में, बायोमेट्रिक तो खैर मतलब ए से लेकर जेड तक आपका सारा काम वहाँ के जो ऑफिशियल होंगे, टेक्नीशियन होंगे, वो करेंगे, ठीक है। और जैसे ही आपको करना क्या, कुछ भी नहीं करना, वो आपको बताते जाएंगे कि यहाँ टिक करिए, यहाँ टिक करिए, यहाँ पर रोल नंबर डालिए, यहाँ ये करिए, वो आराम से आप कर लोगे, ठीक है। इतने तो आप समझदार हो। इंस्ट्रक्शंस में मैंने एक ही बात ख़त्म कर दी कि सारी की सारी जिम्मेदारी वहाँ के टेक्नीशियन को होती है। बस अगर आपको कोई चीज़ पता ना, वैसे तो वो वन बाय वन चीज़ें एक्सप्लेन करते जाएंगे, अगर कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आती आप पर्सनली उनको बुला के बोल सकते हो सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, वो आपको बता देंगे, ठीक है। पहला हमारा इंस्ट्रक्शन ख़त्म। अब बात करते हैं हम लोग टिप्स की। देखो, OMR में क्या होता था कि हमारे सामने पूरा पेपर होता था, हम पूरा पेपर पढ़ते थे, पूरा पेपर पढ़ने के बाद हम लोग फिर देखते थे कि क्या चीज़ें आ रही है क्या नहीं आ रही, तो उनमें हम लोग चेकआउट करते। लेकिन CBT में थोड़ा सिस्टम अलग होगा, एक स्क्रीन पे एट अ टाइम एक ही क्वेश्चन आएगा। लेकिन देखो, लेकिन हर एक चीज़ के अपने फ़ायदे अपने नुकसान होते हैं।
OMR पे सपोज अगर आपने गोला मार दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर पा सकते थे, लेकिन CBT में वो कर सकते हैं। लेकिन OMR पे आप सारे पेपर्स एक साथ क्वेश्चन एक साथ देख सकते हैं, यहाँ पे नहीं देख सकते। तो दोनों को अपने फायदे अपने नुकसान है, बट आपको करना क्या है, सिंपली आप सभी एक एक करके क्वेश्चन देखते जाना, जो आपको आते हैं वो मार्क करते जाना, ओके। और क्लियर है? उसके बाद बहुत सारे बच्चों को क्लियर मतलब प्रॉब्लम होती है कि सर अगर हमें कोई रफ वर्क करना हो तो आपको वहाँ पेपर या शीट मिलेगी? यस, आपको मिलेगी। पेपर आप जितने मर्जी लो, शीट आप जितने मर्जी लो, इवन पेन तक वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, पेन भी वो प्रोवाइड करेंगे, ओके। सो इन शॉर्ट सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपको घर से सिर्फ भरोसा करके जाना, अपने ऊपर बिलीव करके जाना कि मैंने जो पढ़ा है वो सबसे बेस्ट पढ़ा है, बस आपको जाना है वहाँ पे। इंस्ट्रक्शंस में यही है कि वहाँ के जितने भी स्टाफ मेंबर होंगे आपकी पूरी हेल्प करेंगे, आपको एग्ज़ाम को लेके आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। दूसरी टिप्स यही है कि आपको सभी चीज़ें प्रोवाइड करी जाएंगी, बस आपको कूल काम होके जो भी क्वेश्चन दिखता जाएगा वो करना, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आते हैं एक बार सारे कर लो, उसके बाद जो चीज़ों में दिक्कत है वहाँ पे ट्राई टू यूज़ एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड का पता ही है आप लोगों को, ठीक है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। एक सेकेंड, ओके। तो मैं सतीश और JKSS की ऑनलाइन पूरी टीम, मैं सिर्फ आप लोगों के साथ ज़्यादा रहने का वक्त तो नहीं मिला मुझे, लेकिन लास्ट का जो एक या दो वीक मैंने आप लोगों के आपके साथ जो स्पेंड करे आपके करंट अफेयर या बाकी चीज़ों में, मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली। और आप लोगों का इतना सपोर्ट, इतना अफेक्शन देख के इट्स मीन्स अ लॉट फॉर मी। सो अभी मैंने कंटिन्यू करा है तो आई विल कीप इट कंटिन्यू अनटिल जब तक आप जितने भी कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हो, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता, चाहे आप हमारे साथ पेड में हो चाहे फ्री में हो, ठीक है। तो बस आप लोगों को करना कुछ नहीं है, मैंने एक चीज़ बचपन से सीखी थी कि जैसा आप सोचते हैं चीज़ें वैसे ही आपके साथ होती हैं, तो इसीलिए गलत नेगेटिव सोचने से अच्छा है कि हम लोग पॉजिटिव सोचें, और अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट भी पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिविटी का फ़ायदा ये है कि हमारा जो माइंड है वो काम रहता है, कूल रहता है, और कूल जब माइंड होता है तो बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ और बहुत सारी चीज़ें जो हम गर्म माइंड से नहीं देख पाते वो पता लग जाता है। सो इसीलिए आपने जो भी पढ़ा, जितना भी पढ़ा, जहाँ से भी पढ़ा, बेस्ट है वो, सबसे बेस्ट है, एंड यू आर द जीनियस, यू आर द बेस्ट, आपने बेस्ट तरीके से पढ़ा, बस ये समझ के आप जाइए। बाकी कल जितने भी बच्चे हैं उन सभी को JKSSB की तरफ से ऑल द बेस्ट गाइज, ठीक है। और बाकी टेंशन ही लेनी, आप जितने भी कैंडिडेट हो, आप हमारे साथ जुड़े हुए हो हमारे WhatsApp ग्रुप पे, अगर नहीं जुड़े तो आप अभी मैसेज करिए 7006332724 पे। और अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है, कुछ आप जानना चाहते हो, तो अगेन आप इसी नंबर पे मैसेज करिए, आपको मैं डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। सो फिर से अब ये जो मुलाकात है, ये जो बातें हैं, इन सिलसिला हमेशा चलता रहेगा आपके साथ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था इंस्ट्रक्शन और टिप्स मैंने आपको बता दिए, कुछ है ही नहीं बताने को, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से जो मुझे मतलब बताना चाहिए था मैंने बताया। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम टुमारो, राइट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।